हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st of September टू 30th of September। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 21st to 30th September। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st September to 30th September टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज, यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st September to 30th September टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके टॉरस, आई फील आपके जो पार्टनर हैं, अब देखिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई फील आप अपने किसी एक्स के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। मे बी आपके एक्स कोई वापस आ रहे हैं आपके पास, एंड आपकी तरफ से भी मन है कि हाँ ठीक है, अगर ये इंसान वापस आ जाता है तो मैं इसके साथ रिकनसिलिएशन चाहूंगा, तो मुझे रिकंसिलिएशन दिख रही है। बट वो रिकंसिलिएशन ऐसी नहीं है कि हाँ ठीक है तुम वापस आ गए तो मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में वापस वेलकम कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे थोड़ा ना पर्पस ड्रिवन रिकंसिलिएशन लग रहा है, एज इन दिस टाइम अराउंड यू विल नॉट बी लाइक दैट येस आई विल वेलकम यू इन माई लाइफ, लाइक वेलकम बैक इन माई लाइफ विदाउट एनी क्वेश्चन। यू विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन विद दिस पर्सन, वॉट वेंट रॉन्ग लास्ट टाइम and how is it going to be different this time? So aap proper apne question answers karenge, puchhenge ki haan pichli bari jo dikkatein thi kya is bari wo hongi nahi hongi, agar nahi hongi to kya hum different karenge. To I think is bari na cheeze bahut moderation mein karne wale hain, aap inse sari cheeze puchne wale hain, like proper explanation lene wale hain. Also mujhe lag raha hai that you will be very calm and very composed ki haan theek hai इंसान वापस आया है मेरे पास, एंड दे वॉन्ट लाइक द अदर पर्सन वॉन्ट्स यू टू फॉरगिव देम, एंड क्योंकि फॉरगिवनेस दिख रही है मुझे, डेफिनेटली दिख रही है। एरीज लियो सैजिटेरियस कोई आ सकता है, फॉरगिवनेस दिख रही है। मे बी आप फॉरगिव करो एंड देन उसके बाद डिस्कशन करो कि हाँ तुम क्यों आए हो वापस एंड क्या चाहते हो एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी डिफरेंट एक्सेट्रा, तो वो मुझे चीज दिख रही है। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस, यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 21st September to 30th September नेक्स्ट 10 डेज टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 21st to 30th September टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 21st September to 30th September टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके देखिए टॉरस, आपके जो पार्टनर है ना यहाँ पे, क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका कॉम्बिनेशन हो सन साइन एंड मून साइन का, फायर साइन फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस एंड एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये इंसान ना काफी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस ले लोगे। इन्होंने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करी, हील होने की बहुत कोशिश करी, बट नहीं हो पाए। एज इन लाइक मे बी दे आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम वट एवर वेंट रॉन्ग, जहां भी उन्होंने गलती करी वो उस चीज को हील करके एंड एक नया वर्जन अपना बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, नया वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे, बट वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज वाई वो काफी कॉन्फिडेंट है कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस ले लोगे एंड वो आपके पास वापस आ रहे हैं काफी स्पीड से, काफी कॉन्फिडेंस के साथ, एंड काफी ब्रेव मूव कर रहे हैं वो। एक होता ना कि थोड़ा सा डाउट होता है दिमाग के इंसान में, बट वो बिल्कुल धड़ल्ले से आपके पास वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आप उनको वापस ले लोगे अपनी लाइफ में। आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड काफी ब्रेव मूव है। मे बी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं एंड इस बारी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपके पास वापस आके सॉरी बोल रहे हैं। मे बी वो सॉरी नहीं बोलते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। वो आपको पता होगा कि आपका एक्स पार्टनर कैसा था कैसा है।
सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नेक्स्ट 10 डेज, 21 to 30 सितंबर, सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 21 to 30 सितंबर, सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 21 to 30 सितंबर, सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं कंप्लीटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमांस तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली थोड़ा सा आने वाला है। मे बी आप किसी के साथ, रोमांस से मतलब है नॉट लाइक एग्जैक्टली रिलेशनशिप, बट मे बी यू आर गोइंग आउट ऑन डेट्स विद डिफरेंट डिफरेंट पीपल, गेटिंग टू नो देम, किसी के साथ जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ कंपैटिबिलिटी है नहीं है, फिगर आउट कर रहे हैं। बट ब्रेकफास्ट, डिनर्स, मूवीज, वो डेट वाला जो डेटिंग पीरियड जो होता है ना, वो मुझे होता दिख रहा है। थोड़ा सोशलाइजिंग, हैविंग फन, गोइंग आउट ऑन डेट्स, रोमांस इज इन द एयर बेसिकली, शॉर्ट में अगर बोला जाए तो। पैसे को लेकर मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल पिंच दिख रहा है, कहीं पे नुकसान हो सकता है, जिस वजह से थोड़ा सा ना अपने आप को आइसोलेट कर लो। मे बी एज इन आइसोलेशन से मतलब है कि ज्यादा खर्चा ना करो, ज्यादा ऐसे जगहों पे ना जाओ जहां पे आपको पता हो कि यहाँ पे तो मेरा बहुत खर्चा होगा। तो थोड़ा सा मे बी आप आइसोलेशन में जाओ कि हाँ जिस जिस जगह पे आपको पता हो कि यहाँ पे थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक द होल अफेयर इज गोइंग टू बी रियली एक्सपेंसिव, वहां पे मे बी आप अवॉइड करो। वो चीज मुझे दिख रही है जो सिंगल टॉरस हैं उनके लिए। अब हम देखेंगे हर एक जोड़ी एक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स टॉरस। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं बॉडी में, लेट्स से माइग्रेन, पीसीओडी, साइनस, सर्वाइकल का इशू है, या फिर इनडाइजेशन, गट इशू, गट हेल्थ वीक है आपकी, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं अगर आपकी लाइफ में, जैसे कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, कोई पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, या फिर फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू यू नो लाइक फॉल इन लव, और नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट अदर पीपल। तो ये सारे रिलेशनशिप ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास ही होते हैं टू सम एक्सटेंट। फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है, आप मुझसे रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, आप मुझसे रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, लेट्स से आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, एंड यू वॉन्ट टू लाइक गेट रिड ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज, हम ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। आपको अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है या किसी पर्टिकुलर इंसान से कट ऑफ करना है, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि आपका ऑरा कौन से कलर का है, एज इन आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हो अभी, एंड अगर आपका कोई चक्रा वीक है, कौन सा अफेक्ट हो रहा है, तभी तो आपको चक्रा वीक है तभी आप नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं, देन अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम काम करेंगे। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप बिलीव नहीं करते इन सब चीजों में, और आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए कि हाँ लाइक आज हीलिंग प्रैक्टिस करी हमने, कोई भी चूज करी, एंड परसों तक रिजल्ट आ जाएगा या एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, तो नहीं। अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, मैजिक स्पेल नहीं है हीलिंग, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट टू नॉट गो फॉर हीलिंग प्रैक्टिसेस, बिकॉज आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी वेस्ट होगा, सो नॉट गुड फॉर ईदर ऑफ अस, ठीक है। एरीज एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज एंड टॉरस, आई फील आपको अपने आप में भी एक दूसरे के एक्स हैं, एंड आपको रिलीज करनी है एक दूसरे की एनर्जी, आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। मे बी टॉरस आपके कोई, सॉरी एरीज आपके कोई एक्स थे, एंड अभी तक आप उनके बारे में सोच रहे हैं, यू नीड टू रिलीज। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी में, मैंने आपको बताया एरीज लियो सैजिटेरियस कोई है, एंड वो वापस आएगा आपकी लाइफ में, रिकंसिलिएशन आप भी चाहते हैं, बट हमारे पास ये भी मैसेज आ रहा है द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो अब वो सिचुएशन आपको देखनी है कि आपको उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लेना है और रिलीज करना है।
टॉरस एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से? केमिस्ट्री बहुत है टॉरस एंड टॉरस, देर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, ठीक है? आप दोनों के बीच में बहुत सॉलिड पुल है, बहुत सॉलिड केमिस्ट्री दिख रही है मुझे। जेमिनाई एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। जेमिनाई, कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, न्यू लव दिख रहा है, न्यू पर्सन दिख रहा है, जिसने जो आपको रोमांटिकली लाइक आप उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं थोड़ा सा, एंड आता दिख रहा है ये नया इंसान, एंड आप उसकी तरफ इंक्लाइन होते भी दिख रहे हैं। कैंसर एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। देखिए कैंसर एंड टॉरस आपके लिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ चीजें खराब हो रही हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ लाइक एक पॉइंट ऐसा आ गया है जहां पे हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, चीजें कैसे ठीक करनी चाहिए, फ्रेंड से हेल्प मांगिए। ट्रस्ट मी, फ्रेंड से हेल्प मांगिए, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये मत सोचिए कि नहीं किसी को बताएंगे तो उसको हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में या इश्यूज के बारे में पता लग जाएगा, तो क्या हुआ, हेल्प मांगिए, आपका रिलेशनशिप सस्टेन कर पाएगा इसी बहाने। लियो एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। लियो एंड टॉरस आपका, मुझे ऐसा लग रहा है रिकंसिलिएशन होने वाला है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। देखिए मैंने वही बोला स्टार्टिंग में, फायर साइन आ रहा है, आपका कोई एक्स फायर साइन हो सकता है, एरीज में हमारे पास आया रिलीज योर एक्स, एरीज को आपको रिलीज करना है, लियो के साथ आपका रिकंसिलिएशन हो रहा है। कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, ये मत बोलिएगा कि हम कंफ्यूज हो गए, आपने कंफ्यूज कर दिया। थोड़ा सा अपनी लाइफ के हिसाब से देखिए अगर मैसेज फिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जबरदस्ती मत फिट करिएगा। वर्गो एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। वर्गो एंड टॉरस, आई फील आपके जो लव लाइफ है उसमें जो पैसे को लेकर चीजें है ना, फाइनेंसेस एंड करियर, वो अफेक्ट कर रहा है आपकी लव लाइफ अभी। मे बी यू वॉन्ट टू गेट मैरिड बट जॉब अच्छी नहीं है, पैसा अच्छा नहीं है, या फिर आपके पार्टनर अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब, ये सारी चीजें अभी आपके लव लाइफ को अफेक्ट करती दिख रही हैं। लीब्रा एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? एंगेजमेंट, लीब्रा एंड टॉरस की, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, आप नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो रहा है यहाँ पे लीब्रा एंड टॉरस का। स्कॉर्पियो एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। शादी दिख रही है, लीब्रा एंड स्कॉर्पियो का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, सन साइन एंड मून साइन का, या फिर बर्थ चार्ट में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, आप देखिएगा, बट टॉरस एंड स्कॉर्पियो की शादी होती दिख रही है मुझे। सैजिटेरियस एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस एंड सैजिटेरियस, यहाँ पे आई फील आप दोनों को ना अपने अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे अपने फैमिली इश्यूज हील करने की जरूरत है। आप दोनों अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से गो थ्रू कर रहे हैं, जिस वजह से आपके ना सर्टेन पैटर्न्स बन गए हैं, ठीक है? तो वो इतना ज्यादा आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि वो एक पैटर्न्स बन गए हैं, और वो आपकी लव लाइफ को भी अफेक्ट कर रहे हैं। आप वही सेम पैटर्न्स अपनी लव लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हो, जिस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज, अपने जेनरेशनल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल इश्यूज, ये सारी चीजें आपको हील करने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉरगिव योर पेरेंट्स, फॉरगिव योर फैमिली, उन्होंने कुछ खराब करा, इट्स ओके, इट वॉज देयर फर्स्ट टाइम टू बींग पेरेंट्स, इट्स ओके, फॉरगिव देम। सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स ईच अदर? बहुत पैशन है कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस आपके बीच में, आप दोनों को बस, यू जस्ट हैव टू अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू टू लाइक बी विद ईच अदर, लाइक एंजॉय करने दें कंप्लीटली, बट बहुत पैशनेट लव है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। आई थिंक यहाँ पे ना आपको क्या करना है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के बारे में नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जस्ट एंजॉय ईच अदर्स कंपनी एंड जस्ट बी इन लव। एक्वेरियस एंड टॉरस कि क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स ईच अदर? थोड़ा सा ओपन माइंड रखिए, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस जो है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या एक्वेरियस की लाइफ में आप टॉरस जा रहे हैं, यहाँ पे आपके सोलमेट जो है, एक्वेरियस आपका सोलमेट हो सकता है, बट दे माइट डिफर फ्रॉम द काइंड ऑफ पर्सन यू
वॉन्ट टू बी विद, लाइक आपकी एक चेकलिस्ट हो सकती है कि हाँ मुझे ऐसा इंसान चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, एंड जो आपका यूजुअल टाइप है, एक्सपेक्टेशन है, उससे डिफरेंट हो सकता है या इंसान एक्वेरियस. तो थोड़ा सा अपना ओपन माइंड रखिए, रिजिड मत होइएगा कि हाँ मुझे ये तो चाहिए ही इंसान में. मे बी वो चीज ना हो, बट वो आपका सोलमेट हो सकता है, आप मिस आउट कर जाओगे. पाइसेस एंड टॉरस की के लिए क्या मैसेजेस हैं इन दोनों के कनेक्शन के लिए? पाइसेस एंड टॉरस को डिपेंडेंसी दिख रही है मुझे, एडिक्शंस दिख रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो कि आपके रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. मे बी आप दोनों को डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, कि एक दूसरे के बिना जी ही ना पाना, या कोई एक किसी और पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो को डिपेंडेंसी कई बार बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती है, या फिर कोई एडिक्शन हो सकते हैं, को डिपेंडेंसी ऑन एल्कोहल और स्मोकिंग और सर्टेन लाइक सब्सटेंस अब्यूज हो गया, या फिर सोशल मीडिया हो गया, और इट कुड बी एनीथिंग. बट को डिपेंडेंसी की वजह से आपका रिलेशनशिप, ये जो एडिक्शन है, ये रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, तो वो चीज आपको खत्म करनी जरूरी है. ठीक है, अब वो आप टॉरस खत्म करें, या फिर आपके जो पार्टनर है पाइसिस खत्म करें, या फिर आप उनको समझाएं खत्म करने के लिए, बट ये चीज को यू विल हैव टू पुट एन एंड टू इट. बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.